हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हो भाई, समय हो रहा है 10:33। मैं सुबह 7:20 पे उठा था भाई, बाहर गया, बाथरूम हुआ, पानी से संपर्क हुआ और भाई ठंडी लगी, वापस मैं आ गया। फटाफट मैंने ब्लॉग पब्लिश किया और फिर रजाई ओढ़ के सो गया। तो सीधे अभी उठा हूँ 5 मिनट पहले, मिल गई है मस्त गर्मा गर्म चाय हमारी मम्मी जी की कृपा से। भाई ये देखो शानदार हैवी दूध वाली। तो मैं संपर्क हुआ। हाँ भाई, जैसे मुंह हाथ धोया ना, तुरंत ठंडी सी लगी है, बाहर हवा भी चल रही थी, तो फटाक से आके रजाई ओढ़ के सो गया हूँ। तो अच्छी गहरी नींद लग गई फिर से। मैं चाय पी रहा हूँ, मम्मी जी चाय पी रहे, भाई साहब अभी भी लेटे हुए हैं। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ भाई घर के बहुत सारे काम है तो उसको आज निपटाया जाए। मम्मी जी बना रही भाई सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता, हल्का हल्का लाइट वेट, हम सबका भाई पसंदा। बढ़िया देखो बन रहा है ओट, और कितना अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा खोल रहा है। अच्छा खोलता खाना देख के ना आपकी भूख बढ़ जाती, क्यों मम्मी? लगता है बस अब 5 से 10 मिनट में आपको मिलने वाला, और ये तो 10 मिनट में बन ही जाता भाई, इससे ज्यादा तो समय ही नहीं लेता। सुबह मैंने सोचा था कि घर के बहुत सारे काम निपटाऊंगा और उसी पे भाई डटा था कि काम निपटाना है। उसके पहले मेरे दिमाग में आया कि एक बार कॉर्पोरेशन का नल चालू करके देखता हूँ कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पिछले 5 दिन से तो नहीं आ रहा था, नल चालू किया 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। 11वें मिनट में भाई अच्छी तेजी से नल आया, पानी देख के 5 दिन बाद दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया कि कॉर्पोरेशन का नल आ गया भाई। उसके बाद मैंने ना पूरा प्लान चेंज कर दिया, घर का कोई काम नहीं, जूते भारी भारी थे, सब काम छोड़ दिया। मेरे पास 10 दिन के कपड़े रखे थे भाई धोने के लिए, सब गर्म कपड़े, शर्ट, जीन्स, पैंट, हाफ इनर, सब बारी बारी करते करते भाई धोया निचोड़ा, धोया निचोड़ा। भाई साहब ने भी सहयोग कर दिया, आज बहुत सारे कपड़े धोकर निचोड़ कर सुखा कर भाई छत पे डाल दिया। उसके बाद जूते भी धो दिया बढ़िया से, नल चल रहा था मस्त। सब काम भाई निपटा कर नहा धोकर हो गया हूँ, फुर्सत हो गई है दोपहर से भी ज्यादा समय। भाई पानी आता है ना तो इतने सारे काम निपट जाते हैं कि दिमाग फ्रेश हो गया भाई काम कर। सबको थकान होती पर आज मेरा दिमाग फ्रेश हुआ है काम कर, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने सारे कपड़े धुल गए। हो गया है लंच का समय और आज लंच करने है भाई बहुत ज्यादा लेट है और गर्मा गर्म थाली मेरे हाथ में है। बनी है भाई आलू गोभी मटर टमाटर की बहुत शानदार सब्जी है, दाल चावल मैंने एक में मिक्स कर लिया है, मूली का सलाद है। पूरी थाली लबालब भरी हुई है और भूख लगी है बहुत जोर के। हो गई है बहुत शानदार शाम, क्या खुला मौसम लग रहा भाई। और अभी टाइम है हम लोग का पीने का पानी भरने का, तो ये देखो भाई गंजी में, गगरिया में, बाल्टी में, ठीक है, बहुत सारा पानी का स्टॉक रखना पड़ता भाई। मैं तो गंजी तक भर भर के रख लेता हूँ, कुप्पी कसेड़ी सब बर्तन भर के रखना पड़ता भाई, क्योंकि 4 से 5 दिन पानी नहीं आएगा तो पानी का स्टॉक भरपूर होना चाहिए। तो टाइम है पानी भरने का और मौसम बड़ा शानदार लग रहा है, ठंडी में बसंत का, बसंत में ठंडी का, जैसा भी है पर बड़ा शानदार मौसम है। सुबह से जितना काम मैंने किया उतना काम भाई साहब ने किया, बिल्कुल आज भाई बराबरी से मेहनत हुई है, ठीक है। पर मैंने सुबह से 1 मिनट का भी आराम नहीं किया, खाना खाने के बाद पीठ भी सीधी नहीं करी, ठीक है। और भाई साहब ने मस्त 4 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद, इनको उठाने के बाद तब जे उठे भाई, अभी बोलते अरे कितना बज गया, मैंने बोला शाम हो, बोलता अरे थोड़ी और सोने दो यार, और सोने दो, मैंने उठ जाओ कितनी गहरी नींद लोगे, मेहनत तो दोनों ने करी, हड्डी तो हमारी भी चढ़ा रही है, पर तुम आराम अकेले अकेले कर, ये गलत बात है भाई, है ना। हाँ बोलो भाई, वायरल हुआ था, दवाई खा के तो उठे हैं, हाँ। तकलीफ कमजोरी सी महसूस हो रही है, हाँ। अभी तुमको वायरल नहीं हुआ है इसलिए तुम स्वस्थ हो भाई, हमारी भी तकलीफ बहुत ज्यादा है, पर क्या है ना थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ता, कभी कभी नहीं लेटना पड़ता, बीच बीच में 1-2 दिन लेट भी जाते हैं, पर आज तो हमने बिल्कुल पीठ भी सीधी नहीं करी है। दवाई खा के बुखार तो उतर गया, सर्दी तो ठीक हो गई, दर्द खत्म हो गया, हरारत लग रही है ऐसी, कमजोरी लग रही है पूरे शरीर में भाई, पीठ से तो बैठा नहीं जा रहा। उसके बाद भी मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए तुम्हारे, मैंने भी तो मेहनत की, हाँ ठीक है, दोनों ने मेहनत करी, पर आज मैंने बिल्कुल पीठ सीधी नहीं करी, इन्हें 4 घंटे पीठ सीधी करी भैया, ऐसे ऐसे हिलाने के बाद उठे, ओ भैया, तब जाके इनकी नींद खुली है, मुंह हाथ धोकर हुए फुर्सत, और जो मस्त कंबल में अभी भी घुसे हुए हैं, लग रहा कि आधा पौन घंटा और ले जाएंगे। कितना सोते यार, कुंभकरण को तो हम ऐसे ही बदनाम करते, असली तो भाई साहब सोते गजब की नींद लेके। मम्मी जी की हो रही भाई इवनिंग वॉक, कितने चक्कर लग गए मम्मी? 2 चक्कर। कितने चक्कर लगाओगे और? जब तक 5-6 चक्कर तो लगा ही लो।
मम्मी जी बढ़िया भाई 150 मीटर का चक्कर लगाती है 100 मीटर का आराम से, तो ऐसे 5 चक्कर लगाएंगी, अरे आधा किलोमीटर वॉक कर लेंगी। ठंडी लग रही बाहर? नहीं लग रही, चलो ठीक है वॉक कर लो आराम से। समय हो गया है गर्मा गर्म चाय बनाने का, और चाय मैंने चढ़ा दी है, बढ़िया खुशबू भी आना चालू हो गई भाई। और आजकल दो जगह चाय बनानी पड़ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। ये मम्मी जी की है शुगर फ्री, और वो हम लोग की शुगर वाली, और दोनों ही देखो क्या गोरी गोरी चाय दिख रही है, उसमें बवाल आना चालू हो गए हैं। और इसकी गैस मैंने धीरे करके रखी है, माने तो दोनों की गैस मैंने धीम आंच पर रख दी है, क्योंकि बात करते रहो ना डंका और गंजी जो होती है ना वो जल जाती है, नहीं तो चाय फन जाती है, इसलिए पहले बात करेंगे उसके बाद इसको तेज करेंगे। तो 5 मिनट अभी ये खोलेगी, बढ़िया खुशबू जब तगड़ी वाली आएगी ना तब इसको छानेंगे। और भाई इसमें बबल आने लगा है, तो दोनों की गैस तेज करते हैं, फटाफट चाय बनाते हैं और सबको देते हैं शाम की गर्मा गर्म चाय, इसकी ज्यादा जरूरत है। भाई साहब भूज रहे हैं गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, इतनी तेज खुशबू आ रही भाई कि बाहर में सूंघते सूंघते सीधे किचन में आ चुका हूँ। और भाई साहब कुकर हिला हिला के बढ़िया देखो ऐसे पॉपकॉर्न भूज रहे हैं, और आजकल रोज शाम को हमारे यहाँ पॉपकॉर्न भूज रहे भैया, और भूजने वाले हमारे पॉपकॉर्न मैन ठीक है। भाई साहब इतना गजब का पॉपकॉर्न भूजते खुशबू आती भाई पूरे घर में। भैया थोड़े से काय भूजे थे, और कुकर भर के पूछते तो भाई इतना ही बचा था, इतने ही बचे हैं, पैकेट खत्म हो गया, पूरे पैकेट खत्म हो गए। गाइस पॉपकॉर्न खाते खाते सुनो, पॉपकॉर्न खाते खाते पता का नहीं चलता कि पैकेट खत्म हो रहे हैं। तो ये भाई इतने ही पॉपकॉर्न बचे थे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिलेगा सबको और बढ़िया नाश्ता हो जाएगा शानदार। पलट दो भैया इसी में, काहे की देरी कर रहे हो। तो भाई हमने ये पॉपकॉर्न उठा लिए हैं ठीक है, मुंह में डालते हैं और पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल में भाई एक बहुत अच्छी साउथ इंडियन मूवी आई है, मैंने उसकी कुछ क्लिपिंग देखी है, बहुत शानदार है, तुमको भी बहुत पसंद आएगी, भाई तुम्हारे फेवरेट हीरो की है। मैंने बोला है ऐसी पिक्चर, तो भाई देखने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। और भाई बहुत अच्छी पिक्चर है, और आपको पता है मुझे किस प्रकार की पिक्चर अच्छी लगती है, मिशन वाली फाइटिंग वाली, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार पिक्चर है, बिल्कुल लेटेस्ट मूवी है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट मूवी अब भी निकली है ठीक है। तो भाई साहब के मोबाइल में सब मूवी बढ़िया बढ़िया आ जाती है, तो इनके मोबाइल में बहुत सारी मूवी आती है, पर भाई उसमें से ये मेरे को वही मूवी बताते हैं जो मेरे फेवरेट होती है, दिमाग हो जाए। हाँ, फालतू लव स्टोरी ये उतना टाइम नहीं है भाई, अच्छा मिशनरी टाइप की फिल्म हो, मिशन मिलता है, हाँ फाइटिंग हो, फाइटिंग हो जिसमें थोड़ा सी जिज्ञासा हो आगे क्या होगा और दिमाग फ्रेश हो जाए। हाँ, तो भाई मैंने उसका क्लिपिंग देखी, बहुत अच्छी है, तो चलो लगाते हैं टीवी पे मोबाइल से अटैच करके, कनेक्ट करेंगे पहले एलईडी टीवी पर, बड़ी एलईडी टीवी पर भाई पिक्चर देखने का जो मजा है ना वो शानदार होने वाला। तो भाई मेरे फेवरेट हीरो की साउथ इंडियन पिक्चर, सुनो साउथ इंडियन मूवी तो मुझे इतनी अच्छी लगती क्या बताएं, मैं तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। तो फटाफट चलते हैं मोबाइल से कनेक्ट करते हैं टीवी में और भाई मूवी चालू करते हैं। भाई साहब ने जैसा बोला था भाई मूवी है, बिल्कुल मूवी वैसे ही निकली, बहुत शानदार मूवी थी भाई, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया। और 5 मिनट तो छोड़ो, 5 सेकंड के लिए मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी भाई, ऐसी जम के मूवी देखी है। और भाई इतना ही दिखा सकते, इसके अलावा नहीं दिखा सकते, दिक्कत हो जाएगी। पर भाई हमने मूवी देखी, आपने मूवी देखी, समझो एक बराबर ठीक है, मस्त थी, एक नंबर की यार, मेरा दिमाग फ्रेश हुआ, समझो आपका दिमाग फ्रेश हुआ, बहुत मस्त मूवी थी, मजा आ गया। और साउथ इंडियन मूवी की भाई बात ही अलग होती है, एक नंबर, क्या क्लाइमेक्स आता है, क्या फाइटिंग होती है, बहुत शानदार मजा आ गया। फिल्म में रुझान और दिलचस्पी बनी रही भाई साहब, ऐसी मूवी जब भी आए ना है मुझे तुरंत पता, मैंने दिखाई तो बहुत, हाँ भाई वो वाली मूवी बहुत अच्छी थी, ये वाली मूवी तो उससे बढ़कर थी भाई, क्या मस्त। अब मैं क्या शब्द बताऊंगी, मुझे कितना शानदार, हाँ एक शब्द बोले तो एक नंबर शानदार मूवी थी, मजा आ गया भाई, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हो गया है डिनर का टाइम और गर्मा गर्म थाली मेरे हाथ में है भाई, बनी है आलू गोभी मटर टमाटर की बहुत शानदार सब्जी, और कलर कितना शानदार लग रहा है, और बन गई भाई पूरी, और मीठे में है सूजी का हलवा, तो एक नंबर का डिनर है भाई, हल्का हल्का लाइट वेट भी है, बहुत शानदार भी है। हे गाइस समय हो रहा है 12:37, अब बैठा है भाई व्लॉग को एडिट करने के लिए, इसलिए करना पड़ेगा व्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा हो, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।